हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू परफेक्शन एकेडमी। मैं हूं पवन पाटीदार और आप देख रहे हैं रीजनिंग की ये वीडियो, आज जिसका हम 15th पार्ट देखेंगे, ठीक है, जिसमें हम ओल्ड पेपर 2016 में जितने भी हुए थे उनके पेपर का सोल्व हल यहां देख रहे हैं। तो इसमें देखिए, हम दो दो शिफ्ट अब एक साथ कवर करने लग गए हैं, ठीक है। कमेंट्स आई थी कि दो शिफ्ट, मतलब सेकेंड वाली शिफ्ट कब आती है वीडियो, तो मैं आपको बता दूं, इसी वीडियो में दो शिफ्ट एक साथ कवर कर रहे हैं हम, ठीक है। वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो सकती है, 40 मिनट की, 35 मिनट की, बट इसमें हम 35 से 40 क्वेश्चंस भी कवर करेंगे, ठीक है। 35 से 40 क्वेश्चन जो है वो भी कवर करेंगे, इसलिए थोड़ी सी वीडियो बड़ी जरूर होगी, बट एक दिन में आप कुछ ज़्यादा दो शिफ्ट को एक साथ देख सके, इसलिए हम बड़ी वीडियो लेके आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप हमसे YouTube पर, Telegram पर और Instagram पर जुड़ सकते हैं। Telegram की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप वहां जाके जुड़ जाइए और अपने जितने भी मैथ्स और रीजनिंग से रिलेटेड डाउट है वो सारे आप वहां क्लियर कर सकते हैं। चलिए पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में मुझे कहा है कि जिस प्रकार घंटी का संबंध ध्वनि से है, उसी प्रकार लैंप का किससे होगा, ज्वाला, प्रकाश, बाती या फिर तेल। तो देखिए, जिस प्रकार इस घंटी का संबंध ध्वनि से है, घंटी जब बजती है तो क्या करती है, ध्वनि, तो यहाँ पर लैंप भी जो है वो जलता है तो क्या करता है भैया, तो प्रकाश करता है, ठीक है। तो आपका यहाँ उजाला ना करेक्ट होते हुए करेक्ट क्या होगा, प्रकाश, क्योंकि देखिए जिस प्रकार घंटी जो है वो क्या करती है, यहाँ पर साउंड पैदा करती है, ध्वनि उत्पन्न करती है, उसी प्रकार यहाँ लैंप की अगर मैं बात करूँ तो लैंप भी क्या करता है, लाइट पैदा करता है, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर होगा प्रकाश। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर बढ़ेंगे। कथन, कुछ मेल पत्र है, देखिए यहाँ पर कुछ मेल ले लेता हूँ मैं, क्या कहा है कि कुछ मेल जो है वो पत्र है, तो कुछ भाग ले लिया मैंने पत्र में। सभी पत्र जो है वो डाक है, देखिए सारे के सारे पत्र जो है वो क्या होने चाहिए, डाक, तो यहाँ लिख दिया मैंने डाक। अब आप निष्कर्ष देखेंगे कि यहाँ मुझे कहा है कुछ डाक पत्र है, क्या कुछ डाक यहाँ पर पत्र है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि कुछ डाक पत्र, जी बिल्कुल मुझे तो लग रहा है कुछ डाक पत्र है, पर नेक्स्ट वाले अगर निष्कर्ष में देखें तो कुछ पत्र मेल नहीं है, क्या कहा है कि कुछ पत्र यहाँ पर मेल नहीं है, तो ये तो भैया इसने गलत बोल दिया, क्योंकि कुछ पत्र तो यहाँ पर मेल है। और ऊपर वाले की अगर मैं बात करूँ कुछ डाक पत्र है, तो आप देखेंगे कुछ डाक यहाँ पर पत्र, जी बिल्कुल है, फर्स्ट वाला क्लियर हो रहा है, इसलिए केवल फर्स्ट वाला ही करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड पर बढ़ेंगे। कथन में कहा है कुछ बिल्लियाँ कुत्ते हैं, चलिए यहाँ पर कुछ बिल्लियाँ है, कुछ बिल्लियाँ जो है वो क्या है, कुत्ते हैं, तो ये कुत्ते कुछ बिल्लियाँ हो जाएगी। आगे, कोई कुत्ता काला नहीं है, तो भैया काला अगर कोई भी नहीं है तो अलग कर दीजिए काला। अब आप देखेंगे यहाँ पर कि कुछ बिल्लियाँ काली है, क्या कुछ बिल्लियाँ यहाँ पर काली है, तो नहीं, ये तो गलत है, क्योंकि बिल्ली और काली कोई संबंध ही नहीं है। आगे, कुछ बिल्लियाँ काली नहीं है, तो हाँ ये करेक्ट हो सकता है, कुछ बिल्लियाँ काली नहीं है, क्योंकि बिल्ली अलग है काली अलग है, तो आपका केवल सेकंड वाला निकलता है, इसलिए सेकंड वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि यदि आप सूत्र का प्रयोग करते हैं तो आप सवाल को हल कर सकते हैं। तो देखिए इसकी एक छोटी सी ट्रिक जो होती है, ट्रिक तो क्या, मतलब आप इसको आसान करने का एक तरीका जो होता है वो क्या रहता है कि यहाँ पर दो वाक्य से ये एक बड़ा वाला जो वाक्य है ये कंप्लीट होता है, जैसे एक यदि से या अगर से स्टार्ट होगा, ठीक है, यदि आप सूत्र का प्रयोग करते हैं, मैं इतने से बड़ी लाइन को एक वाक्य बोल रहा हूँ, ठीक है, और उसी के बाद तो के बाद, तो आप सवाल को हल कर सकते हैं। तो इसको देखिए सोल्व करने का छोटा सा तरीका है, इतनी वीडियो हमने देखी है, तो मैं आपको यहाँ पर एक जरा सी थोड़ी सी बात है वो बता दूँ कि जब भी आपको ये क्वेश्चन सोल्व करना है तो जस्ट इसका विपरीत जो होगा, ठीक है, जस्ट इसका विपरीत, जैसे कि यदि आप सूत्र का प्रयोग करते हैं तो आप क्या लिखेंगे, यदि आप सूत्र का प्रयोग नहीं करते हैं, तो आप सवाल को हल कर सकते हैं, तो वहां पर हो जाएगा आप सवाल को हल नहीं कर सकते, बट इसको लिखने का तरीका कुछ अलग होगा, ये सेकेंड वाली जो लाइन है, सेकेंड वाला जो वाक्य है, तो आप सवाल को हल नहीं कर सकते, ये पहले लिखना पड़ेगा कि यदि आप सवाल को हल नहीं कर सकते तो आप सूत्र का प्रयोग नहीं करते हैं, कुछ इस प्रकार ये वाक्य बनेगा, जैसे कि हम देखेंगे। तो देखिए फर्स्ट वाले में कहा है कि यदि आप सूत्र का प्रयोग नहीं करते हैं तो आप सवाल को हल नहीं कर सकते, तो मैंने अभी जस्ट कहा कि ये वाला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। यदि आप सवाल हल करते हैं तो सूत्र का प्रयोग करें, तो भैया नहीं, ये भी गलत हो जाएगा, सवाल को हल करने के लिए सूत्र का प्रयोग करना आवश्यक है, ये भी गलत। अब लास्ट वाला अगर आप देखें तो देखिए जैसे मैंने बताया पीछे वाली लाइन आगे होनी चाहिए, तो यदि सवाल आपको आपके द्वारा हल नहीं हुआ है, तो देखिए यही है, सवाल को हल कर सकते हैं, तो यदि सवाल आपके द्वारा नहीं लग गया ना, नहीं हुआ है, तो आपने सूत्र का प्रयोग नहीं किया है, और यहाँ लिखा है यदि आप सूत्र का प्रयोग करते हैं, तो देखिए तो यहाँ पर वही लगेगा बट लाइन आगे पीछे हो गई है, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा, हर एक में ऐसा ही होगा, देखते हैं कैसे होगा। आगे दो एक क्वेश्चन और मैंने लिए हैं।
जिस प्रकार यहाँ तेल का लैंप से संबंध है, देखिए ऑयल का लैंप से संबंध है, उसी प्रकार मोम का किससे होगा, वैक्स का किसके साथ होगा, बल्ब, मोमबत्ती, प्रकाश या अंधेरा। तो देखिए जिस प्रकार तेल का लैंप के साथ, तो मोम का कैंडल के साथ, मोमबत्ती के साथ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कथन, सभी उद्यान दवा है। देखिए यहाँ पर कुछ उद्यान है और मुझे कहा है कि सारे के सारे उद्यान जो है वो क्या है, दवा। अब सभी दवाएं डॉक्टर है, सभी दवाएं क्या है, डॉक्टर है, तो डॉक्टर लिख दिया मैंने। अब आप देखेंगे कोई डॉक्टर उद्यान नहीं है, क्या कोई भी डॉक्टर यहाँ पर उद्यान नहीं है, सबसे पहले ये देख लीजिए। तो आप देखेंगे भैया डॉक्टर कुछ यहाँ पर उद्यान है, मतलब ये तो गलत। सभी उद्यान डॉक्टर है, तो जी बिल्कुल ये तो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि उद्यान के ऊपर डॉक्टर का आ रहा है, इसलिए केवल सेकेंड वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। जिग्नेश पहले दाहिने मुड़ा। देखिए मान लीजिए यहाँ से, देखिए इसको करने का एक तरीका है, सबसे पहले आप यहाँ दिशा बना लीजिए, दिशा बना लीजिए, ये होती है आपकी पूर्व दिशा, ये होती है आपकी पश्चिम दिशा। ठीक है, इसको थोड़ा सा लिख देता हूँ मैं। यहाँ क्या होता है कि जब भी कभी किसी को भी कहीं मुड़ने का कह दिया या चलने का कह दिया, तो आप किसी भी साइड जा सकते हैं, क्योंकि उसने स्टार्टिंग पॉइंट आपको यहाँ नहीं बताया है। ठीक है, तो जिग्नेश पहले दाहिने मुड़ा। अब देखिए दाहिने मुड़ा, तो सबसे पहले वो कहीं यहाँ जा रहा होगा, मैं ऐसे सोच लेता हूँ यहाँ जा रहा होगा। तो यहाँ जाने के बाद उसने क्या किया, दाहिनी तरफ मुड़ गया, और दाहिनी तरफ इस साइड होता है उसका। ठीक है, ऊपर की साइड अगर वो जा रहा है तो इस साइड दाहिनी होगा और इस साइड बाहिनी होगा, बाया साइड होगा। तो पहले वो दाहिने साइड मुड़ा, मतलब इस साइड मुड़ा, फिर दाहिने और फिर बाई मुड़ा। देखिए दाहिने मुड़ा, फिर कोमा लगा हुआ, मतलब यहाँ तक चला गया, फिर दाहिने फिर मुड़ गया, मतलब अब नीचे की तरफ मुड़ गया वो। ठीक है, नीचे की तरफ मुड़ने के बाद क्या कहा है मुझे कि फिर बाएं मुड़ा। अब उसका बाएं कहाँ होगा, अब उसका बाएं होगा इस साइड, क्योंकि वो नीचे की तरफ चल रहा है। एरो का निशान देखना है आपको, वो नीचे की तरफ चल रहा था, तो अब उसका बाएं इस साइड होगा, और अब वह उत्तर दिशा की ओर बढ़ रहा है। मतलब ये दिशा कौन सी हो गई भैया, उत्तर दिशा। और हमको तो पता है उत्तर हमेशा ऊपर वाली होती है। ठीक है, तो ऊपर वाली अगर उत्तर होती है, तो मैं उसको ऐसा ना बनाकर कुछ इस प्रकार बनाऊं, उत्तर यहां लिख दूं मैं, तो उसके जस्ट सामने यहां दक्षिण आ जाएगा, और उत्तर को अगर वहां लिखा तो यहां कौन सी आ जाएगी भैया, पश्चिम आ जाएगी, और नीचे आ जाएगी मेरी दक्षिण। ठीक है, तो यहां पर मैंने चारों क्रम बना दिए। उत्तर की ओर बढ़ रहा है, तो किस दिशा में वह शुरुआती बिंदु पर चल रहा था, तो भैया इस बिंदु से वो किस दिशा में चल रहा था, आपको पता है ऊपर की तरफ, और ऊपर की तरफ यहां कौन सी दिशा है, पश्चिम दिशा, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा पश्चिम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। अगर वह खुश नहीं है तो वह नहीं नाचेगी। देखिए इस क्वेश्चन को जिस प्रकार मैंने वहां बताया था, उसी प्रकार सॉल्व कीजिए, पीछे वाली लाइन को आगे। अगर वह नाचती है तो वह खुश होगी, ऐसा कुछ होगा। ठीक है, देखते हैं, यदि वह खुश है तो वह नाचेगी, तो नहीं। यदि वह नाचती नहीं है तो वह खुश होगी, तो यह भी नहीं। यदि वह नाचती नहीं है तो वह खुश नहीं है, यदि आप खुश है तो आप नाचेंगे, आप वाला तो गलत हो गया। अब आप यहां देखेंगे कि यदि वह नाचती नहीं है तो वह खुश नहीं होगी, आपका यही वाला करेक्ट होगा, क्योंकि बाकी अगर ऑप्शन देखें तो वो यहां पर करेक्ट नहीं हो रहे। देखिए अगर वह नाचती नहीं है तो वह खुश नहीं है, यही करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्न अनुक्रम में कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो एक अक्षर के तुरंत बाद है, मतलब एक अक्षर होना चाहिए और उसके तुरंत बाद कोई नंबर होना चाहिए, कुछ इस प्रकार। तो पहले अल्फाबेट होना चाहिए, फिर नंबर होना चाहिए। तो आप यहां देखेंगे, एक तो यहां T1 लिखा हुआ है, फिर B8 लिखा हुआ है, फिर अगर देखें तो R7 लिखा हुआ है, फिर H4 लिखा हुआ है, P9 लिखा हुआ है। ठीक है, तो 1, 2, 3, 4 एंड 5 आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। फिर से वो आ गया है कि यदि बादल काले नहीं हैं तो बारिश नहीं होगी और हम क्रिकेट खेल सकते हैं। तो आप देखेंगे कि यदि बारिश होती है तो बादल काले हैं और हम क्रिकेट नहीं खेल सकते। देखिए यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखना कि यदि बारिश होती है तो बादल काले हैं, और वहाँ कहा था यदि बादल काले नहीं हैं तो बारिश नहीं होगी। ठीक है, और यहाँ दे दिया है कि यदि बारिश होती है तो बादल काले हैं और हम क्रिकेट नहीं खेल सकेंगे, बिल्कुल करेक्ट, क्योंकि यहाँ हम क्रिकेट खेल सकेंगे कहा है, तो यही वाला आपका करेक्ट हो जाएगा, बाकी आगे जाने की ज़रूरत है ही नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। बस में एक महिला की ओर संकेत करते हुए राहुल ने कहा, यहाँ पर कोई महिला है उसकी ओर संकेत करते हुए कहा कि वह जो है मेरे पिता के बेटे की पुत्री है। क्या कहा, अब उसने ऐसा तो नहीं कहा कि मेरे पिता की इकलौते बेटे, अगर इकलौते कहता तो मैं शायद राहुल को ही मान लेता। ठीक है, बट उसने क्या कहा कि वह महिला कि मेरे कहा वह मेरे पिता के बेटे, देखिए मेरे पिता के बेटे, यहाँ पर बेटे आएगा,
वह मेरे पिता के बेटे की पुत्री है, मतलब इसके भाई की पुत्री। और भाई की पुत्री क्या लगती है आपको भैया, भाई की पुत्री क्या लगती है, वो नहीं, रोहन उससे किस प्रकार संबंधित है। ये जो आर फॉर रोहन है, रोहन यहाँ पर आ गया, राहुल है शायद, यहाँ नाम मिस्टेक हुआ है, एक जगह राहुल दे दिया है, एक जगह रोहन दे दिया है, तो कोई बात नहीं, प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाती है। तो जो भी है वो रोहन उससे किस प्रकार संबंधित है, तो ये आर फॉर रोहन या राहुल जो भी है ये इस लड़की से किस प्रकार संबंधित है। लड़की क्या कह के बुलाती है, तो आपको पता है लड़की क्या कहेगी, भैया पापा के भाई को अंकल कहेगी, इसलिए आपका करेक्ट आंसर अंकल होगा। ठीक है, जिसके साथ से लगा हुआ है ना वो क्या कहती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। चलिए, विलुप्त संख्या चुनकर श्रृंखला को पूरा करना है। 1, 6, 13, 22 और 33 दे रखा है। तो देखिए 1 से 6 की अगर मैं बात करूं तो यहां पर 5 का अंतर है। ठीक है, 5 का अंतर लिख देता हूं मैं। अब अगर मैं 6 से 13 की बात करूं तो देखिए यहां पर आप देखेंगे 6, 6, 12 और 1, 13, मतलब 7 का अंतर है। यहां 13 से अगर मैं 22 की बात करूं तो देखिए 13, 10, 23 होना चाहिए, नहीं तो 9 का अंतर है, 5, 7, 9। और अगर यहां 22 से 33 में देखें आप तो यहां पर 10 का अंतर है, सॉरी 11 का अंतर आ रहा है। ठीक है, 22, 10, 32 और 1, 33, तो 5, 7, 9, 11। तो अब यहाँ क्या आएगा भैया, नेक्स्ट 13 होना चाहिए, तो 3, 3, 6 और 4 और 1, 3 और 1, 4, तो ये हो गया आपका 46 और 46 आपका ऑप्शन में थर्ड नंबर पर है। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कितनी, इस डायग्राम को बनाने के लिए कितनी सीधी रेखाओं की यहाँ पर आवश्यकता है। तो देखिए इसको काउंट करने का एक तरीका, सबसे पहले यहाँ पर समांतर रेखा जो है बिल्कुल सीधी रेखा है उनको काउंट कर लीजिए, 1, उसके बाद ये वाली आपकी 2, फिर ये वाली 3। ठीक है, इसी प्रकार ऊपर से नीचे आने वाली रेखाओं को काउंट करेंगे, 3 हो चुकी है, ये आ गई आपकी 4, ये हो गई 5, ठीक है, ये 6, फिर ये 7 और ये 8। ठीक है, 8 के बाद 2 क्रॉस बन रहे हैं, एक ये वाली 9 और एक ये वाली 10। करेक्ट आंसर आपका 10 होगा। ठीक है, चलिए, दी गई श्रृंखला अक्षर संख्याओं का अनुक्रम प्रयोग करती है, गलत को आपको पहचानना है। तो पीछे से हम काउंट करेंगे, x2y6, 789, 189, 789, 789, 789, सेकेंड वाला करेक्ट होगा क्योंकि यहाँ 189 लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। फिर से आपको गलत पद को यहाँ से चुनना है, 121, 143, 166, 187, 209। तो देखिए यहाँ पर एक चीज़ आपको कॉमन दिख रही होगी, यहाँ पर 12 लिखा हुआ है, यहाँ पर 12 से 2 ज़्यादा 14, यहाँ 16, यहाँ 18 और यहाँ 20। ठीक है, इसी प्रकार अगर मैं पीछे की बात करूँ तो 1, 2 छूट गया, 3 आ गया, 4 छूट जाएगा तो यहाँ 5 आना चाहिए था, फिर 6 छूट गया तो यहाँ 7 आ गया, और 8 छूट गया तो यहाँ 9 आ गया, मतलब गलत संख्या कौन सी हो गई, 166। ठीक है, आ रहा है ना समझ में मैंने किस प्रकार किया, यहाँ पर 5 आना था बट 5 ना आके यहाँ 6 आया, इसलिए आपका 166 जो है गलत पद हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, मद्रास को कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है तो मुंबई को क्या लिखेंगे। तो देखिए मद्रास को लिखा हुआ है NBESBT, जस्ट एक बात, MNABDERSAB और ST। इसी प्रकार मुंबई को हम क्या लिख सकते हैं, MNU के बाद V, M से फिर N, ठीक है, NVN, B के बाद C, A के बाद B और I के बाद क्या आ जाएगा, J, तो NVN होना चाहिए, फिर CBJ होना चाहिए, तो आपका फर्स्ट वाला ही करेक्ट हो गया, NVN CBJ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। किसी खास कोड भाषा में, ये पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे और आपको तो BOLO का मतलब बताना है, BOLO आपको कहाँ दिख रहा है, तो आप देखेंगे BOLO यहाँ दिख रहा है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, ZOLO और SOLO का मतलब पता कर लेंगे। तो ZOLO का करना है तो ZOLO यहाँ भी दिया हुआ है, और इन दोनों में अगर हम कोई सेम शब्द देखें तो वो आपको दिखेगा यहाँ पर, देखिए अर्थ यहाँ भी लिखा हुआ है, अर्थ यहाँ भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो अर्थ तो हो गया ZOLO का, SOLO का बताना है तो SOLO यहाँ दिया हुआ है, और इन दोनों में अगर आपको कोई सेम दिख रहा है तो वो देखिए आप, देखिए यहाँ पर कि वॉट इज दिस लिखा हुआ है, और अगर यहाँ देखें तो इज यहाँ भी है, इज यहाँ भी है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्या पता चल गया, BOLO का मतलब राउंड। ठीक है, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर RUND, राउंड हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। फिर से वही दिया हुआ है, किसी खास कोड भाषा में इनको पूरा क्वेश्चन पढ़ने के बाद ATA का मतलब बताना है। ATA, आप देखेंगे ATA कहाँ लिखा हुआ है, तो ATA यहाँ लिखा हुआ है, इसके अलावा ATA और कहीं लिखा हुआ मुझे दिख नहीं रहा है। तो हम क्या करेंगे, PITA का मतलब निकाल लेंगे, PITA कहाँ दिख रहा है, और आपको PITA यहाँ पर है। ठीक है, तो इन दोनों में अगर हम कोई मैन कॉमन देखें, मैन इज ग्रेट, और यहाँ देखें तो अ ग्रेट, तो ग्रेट देखिए, ग्रेट यहाँ भी आ रहा है, ग्रेट यहाँ भी आ रहा है। ठीक है,
उसी प्रकार अगर मैं बात करूँ अब तो एफ आई टी ए की, एफ आई टी ए वहाँ है, एफ आई टी ए यहाँ भी है, ठीक है। तो ए ग्रेट और इफोर्ट लिखा हुआ हैव अ सीट, तो ए यहाँ भी लिखा हुआ है, ए यहाँ भी लिखा हुआ है। आपको पता चल गया कि ए टी ए का मतलब क्या हो गया, इफोर्ट, मतलब आपका करेक्ट आंसर सी वाला, ई डबल एफ ओ आर टी, ठीक है। चलिए फिर से वही क्वेश्चन आ चुका है, तो देखिए इससे क्वेश्चन तो मैं आपको बहुत सारे करवा दूंगा, बट आप अगर एक दो प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको समझ में आएगा। तो देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, एच ई एल ए यहाँ दिया हुआ है, और एच ई एल ए अगर आपको और कहीं दिख रहा है तो वो कहाँ दिखा है, एच ई एल ए ये रहा, यहाँ पर फर्स्ट में ही दिया हुआ था एच ई एल ए, तो उसके अलावा एच ई एल ए कहीं दिया हुआ नहीं है, तो एक काम करेंगे इसके नीचे अंडरलाइन करेंगे, डी ई एल ए और के ई एल ए का मतलब आप इसमें से पता कर लीजिए, उसके बाद जो बचेगा वो एच ई एल ए का मतलब होगा, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आप कर सकते हैं, इसलिए मैं ये वाला क्वेश्चन छोड़ देता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से दिया हुआ है, बेंगलोर को किसी प्रकार इस ऐसा लिखा जाता है, कोलकाता को हमको लिख के बताना है। तो देखिए बेंगलोर को लिखा कैसे है, पहले ये देख लेते हैं, बी ए एन जी ए एल ओ आर ई, बेंगलोर कुछ इस प्रकार है, और यहाँ लिखा हुआ है वाई जेड एम टी जेड ओ एल आई और वी। देखिए बी वाई बॉय एज एट आज, देखिए बी बॉय बी वाई बाय एज एट आज, एम एन मन ग्रैंड ट्रंक रोड, यहाँ पर आज लिखा हुआ है एज एट आज, ठीक है। ये विपरीत क्रम होता है जो हमने पढ़ा था, विपरीत क्रम याद होगा आपको, ए से मैं लिखते हुए गया था एम तक और नीचे से एन से लिखते हुए मैं आया था जेड तक, तो भैया यहाँ पर बी वाई था, यहाँ सी एक्स था, ऐसे ही लिखा हुआ था, ठीक है। आई का आर था, इसी प्रकार हमने सब देख लिया था, तो उस प्रकार हमारे यहाँ पर विपरीत क्रम बन रहा है, एल का ओ होता है, ओ का एल होता है, आर का आई होता है, ई का भी होता है, तो हमें क्या करना है, कोलकाता का बताना है, तो ठीक है बता देते हैं जल्दी से। तो यहाँ कोलकाता का क्या हो जाएगा भैया, के का हो जाएगा पी, के पी झाला, ओ से क्या बनना था, तो ओ से देखिए यहाँ पर एल बन रहा है, एल से क्या बनेगा, ओ बनेगा, के से क्या बनेगा, तो देखिए के से बनने वाला शब्द कौन सा होगा, सबसे पहले देख लीजिए, तो पी बनेगा भैया, ठीक है, कल्पना चावला या आपने जो भी पी के जो याद रख किया था, ए से वापस जेड बन जाएगा, टी से क्या बनेगा, तो टी से बन जाएगा जी, ग्रैंड टंक रोड पढ़ा था हमने, और ए से बनेगा जेड, तो पी एल ओ पी जेड जी जेड, तो देख लीजिए पी एल ओ पी जेड और जी जेड ना, पी एल ओ पी जेड जी जेड, लास्ट वाला आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसी प्रकार आगे बढ़ेंगे, अहमद सलीम से लंबा है, देखिए अहमद जो है वो सलीम से लंबा है, क्या कहा है कि अहमद सलीम से लंबा है, सलीम अहमद जितना लंबा नहीं है, सहमद सॉरी सलीम जो है वो अहमद जितना लंबा नहीं है पर अकबर से लंबा है, तो देखिए ये अगर अकबर से लंबा है तो अकबर नीचे आएगा क्योंकि सलीम अकबर से लंबा है। सोहन भी सलीम जितना लंबा नहीं है, सोहन भी जो है सलीम इतना लंबा नहीं है पर अकबर से लंबा है, मतलब सोहन कहाँ आ जाएगा भैया, यहाँ आ जाएगा क्योंकि वो सलीम इतना लंबा नहीं है बट अकबर से तो लंबा है ना। सबसे लंबा कौन है, तो भैया अहमद, ठीक है, तो अहमद क्या लिखा था ये मैंने, अहमद जी बिल्कुल अहमद आपका करेक्ट होगा। तो यहाँ पर अगर आप देखें ऑप्शन में तो अहमद कहीं दिया हुआ नहीं है, अकबर है, सोहन है, सोहन और अकबर, तो कुछ गलत हुआ है क्या, देखिए अहमद सलीम से लंबा है, अहमद सलीम से लंबा है, ठीक है, सलीम अहमद जितना लंबा नहीं है, सलीम जो है वो अहमद जितना लंबा नहीं है तो छोटा होगा पर अकबर से लंबा है तो ठीक है। सोहन भी सलीम जितना लंबा नहीं है, सोहन भी जो है वो सलीम जितना लंबा नहीं है मतलब सलीम से छोटा होगा, और उसने आगे वाली लाइन में कह दिया कि अकबर से लंबा है, तो जी बिल्कुल क्रम तो हमारा करेक्ट बना हुआ है, शायद ऑप्शन में कुछ गलत हुआ है क्योंकि अहमद आना चाहिए था आंसर और यहाँ पर अकबर दिया हुआ है, तो हो सकता है यहाँ पर अहमद आ जाए और आपका करेक्ट आंसर अहमद ही होगा, ठीक है, क्योंकि हमने क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर पढ़ेंगे, अगर काजल युवा है तो नौकरी के लिए उसका चयन हो जाएगा, तो भैया वही जो मैंने कहा था पीछे वाले लाइन आगे होनी चाहिए, तो देखिए नौकरी के लिए काजल का अगर चयन नहीं होता है तो वही युवा नहीं है, ये हो सकता है, तो आप देखेंगे कि अगर नौकरी के लिए काजल का चयन नहीं हुआ तो वह युवा नहीं है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा जिस प्रकार मैंने बताया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, कथन कुछ डिटर्जेंट साबुन है, यहाँ पर डिटर्जेंट लिख देता हूँ मैं, और मुझे कहा है कि कुछ डिटर्जेंट जो है वो साबुन है, फिर आगे सभी साबुन जो है वो पाउडर है, सारे के सारे साबुन जो है वो पाउडर है। अब आप देखेंगे कि कुछ डिटर्जेंट पाउडर है, क्या कुछ डिटर्जेंट यहाँ पर आपको पाउडर दिख रहे हैं, तो जी बिल्कुल
फर्स्ट वाला करेक्ट है। क्या सभी साबुन डिटर्जेंट है? तो देखिए सारे के सारे साबुन डिटर्जेंट नहीं हो सकते, क्योंकि कुछ साबुन जो है वो डिटर्जेंट है। तो आपका सेकेंड वाला गलत, केवल फर्स्ट वाला करेक्ट, इसलिए केवल फर्स्ट वाला करेक्ट होगा। आगे, एक लड़की एक आदमी का परिचय, देखिए यहाँ पर एक लड़की खड़ी है और वो एक आदमी का परिचय कराते हुए क्या कहती है कि वह उसकी माँ, देखिए कि वह उसकी माँ के भाई का पुत्र है, कि वह उसकी मतलब लड़की के माँ के भाई का पुत्र है, मतलब मामा का लड़का, और मामा का लड़का वह उससे किस प्रकार संबंधित है। तो देखिए भैया मामा का लड़का क्या लगता है, मामा का लड़का आप सभी जानते हैं कि अगर ये देखिए, फिर से मैं एक बार कर लेता हूँ, एक लड़की एक आदमी का परिचय यह कहकर देती है कि वह मतलब ये जो लड़का है यह उसकी माँ के भाई का पुत्र है, उसकी माँ के भाई का पुत्र है, मतलब ये तो इसके मामा का लड़का ही हुआ ना, तो वह उससे किस प्रकार संबंधित है। तो यह इस लड़की से किस प्रकार संबंधित है, तो भैया बहन से संबंधित है, और लड़की क्या कह के बुलाती है, तो भाई कह के बुलाती है, ठीक है। वह उससे किस प्रकार संबंधित है, तो भाई से संबंधित, आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा ब्रदर, भाई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, वह विकल्प चुनिए जो तर्क, देखिए वहां पर चाचा पुत्र और भतीजा दिया हुआ, तो चाचा और भतीजा पुत्र कहां से होगा भैया, अगर ये मामा का लड़का है तो मामा का लड़का आपका रियल भाई ना होते हुए भैया जो भी है कजन ब्रदर तो होता है ना, इसलिए मैंने भाई पे टिक किया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ था, यह सच नहीं है कि बिल्ला और रंगा दोनों ने मैच जीता, मतलब बिल्ला और रंगा दोनों ने एक साथ मैच जीता, यह सत्य नहीं है भैया, तो या तो बिल्ला ने जीता होगा या फिर रंगा ने जीता होगा, तो या आ जाए वो आपका करेक्ट होगा। देखिए बिल्ला ने मैच जीता या रंगा ने जीता, आपका फर्स्ट वाला ही करेक्ट हो गया। आगे बढ़ेंगे, सरिता विमला की एक लौती बेटी है, देखिए यहाँ पर सरिता लिख लेता हूँ मैं, सरिता जो है वो विमला की एक लौती पुत्री है, तो विमला को ऊपर करना पड़ेगा यहाँ पर, देखिए सरिता जो है वो विमला की एक लौती बेटी है, तो सरिता यहाँ आ जाएगी, ठीक है। और सरिता जो है एक लड़की, इसलिए माइनस लगा देता हूँ, जिसका पुत्र प्रमोद का मामा है, देखिए जिसका पुत्र मतलब इसका जो पुत्र है, ठीक है, वो प्रमोद का मामा है। अब कोई प्रमोद नाम का एक इंसान है, उसका ये मामा है, तो भैया उसका मामा कब होगा, ये उसका मामा कब होगा, जब सरिता और ये पुत्र विमला का जो पुत्र, ये दोनों भाई बहन होंगे और ये सरिता का लड़का होगा। मान लीजिए अगर ये सरिता का लड़का होता है तभी तो ये मामा होगा, तो ये मामा यहाँ पर हो गया। आपको पूछा है सरिता मतलब ये सरिता जो है प्रमोद से, देखिए इस प्रमोद से किस प्रकार संबंधित है, देखिए सरिता प्रमोद से किस प्रकार संबंधित है, प्रमोद से पूछा है, प्रमोद क्या कह के बुलाता है, माँ कह के बुलाता है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा माँ, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, कथन दिया हुआ है सभी लड़के खिलाड़ी हैं, यहाँ पर लड़के हैं और मुझे कहा है सारे के सारे लड़के जो है वो खिलाड़ी होने चाहिए, तो खिलाड़ी बना दिया मैंने। अब कोई खिलाड़ी खराब नहीं है, कोई भी खिलाड़ी यहाँ पर खराब नहीं है, तो देखिए खराब जो है वो अलग होगा, खराब है ही नहीं ना भैया, तो खराब जो होगा वो अलग होगा बिल्कुल। अब अगर आप यहाँ पर देखें, कोई लड़का बुरा नहीं है, क्या बुरे की बात तो हुई नहीं, खराब की हुई है, इसलिए तो गलत ही। सभी खिलाड़ी लड़के हैं, क्या सारे खिलाड़ी लड़के हैं, तो नहीं, ये गलत है, क्योंकि सारे लड़के खिलाड़ी हैं बट सारे खिलाड़ी लड़के नहीं हो सकते, दोनों गलत हो गए, इसलिए आपका करेक्ट आंसर जो है वो लास्ट वाला करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए, अगर पिच अच्छी नहीं है तो सहवाग टन मारेगा, ठीक है, हिट मारेगा, टन मारेगा, शॉट मारेगा, तो शायद टन का मतलब यहाँ पे मुझे कुछ क्लियर नहीं हो रहा है। अगर पिच अच्छी नहीं है तो सहवाग जो है वो टन मारेगा, ठीक है, तो यहाँ ये पीछे वाली लाइन हम आगे करेंगे कि अगर सहवाग टन नहीं मारता है तो पिच अच्छी होगी, कुछ ये होगा, तो अगर सहवाग टन नहीं मारता है तो पिच अच्छी होगी, आपका थर्ड वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी प्रकार से ये चार यहाँ पर आपको शब्द दिए हुए हैं, इनमें से तीन एक प्रकार समान है बाकी एक अलग है, तो देख लेते हैं अलग कौन सा है। आप देखेंगे गोल्ड, सिल्वर, मरकरी और एल्यूमिनियम, देखिए स्वर्ण, चांदी, पारद और एल्यूमिनियम, आप देखेंगे इन चारों में से अलग कौन सा लग रहा है, तो भैया अलग आपको कौन सा लग रहा है, सी वाला, ठीक है, ये पारद जो है ये सबसे अलग लग रहा है। आगे कथन दिया हुआ, अधिकांश सेब संतरे हैं, अधिकांश, देखिए सेब है यहाँ पर और अधिकांश सेब जो है मतलब लगभग ज़्यादा हिस्सा क्या है, संतरे हैं, कुछ संतरे अनास है, देखिए कुछ संतरे यहाँ पर अनास है, ठीक है, अनन्नास जो भी है ये यहाँ लिख देता हूँ मैं, कुछ अनन्नास संतरे है, क्या कुछ अनन्नास यहाँ पर आपको संतरे लग रहे हैं, तो आप देखेंगे कुछ अनन्नास संतरे हैं तो जी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, और कुछ सेब अनन्नास है, क्या कुछ सेब यहाँ पर आपको ऐसा लग रहा है कि वो अनन्नास है,
तो नहीं, ये गलत हो जाएगा। तो कुछ अनन्नास अगर संतरे हैं तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट वाला। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। पेन का किसी प्रकार अगर स्याही से संबंध है तो पेंसिल का किससे होगा? ठीक है, पेन का इंक से है तो पेंसिल का किससे होगा? छुरी, लिखना, लीड या चौक? करेक्ट आंसर आ जाएगा लीड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। सूरज मेरे बाएं तरफ है, मान लीजिए कि मैं ऐसा खड़ा हुआ हूँ। ठीक है, तो अगर मैं ऐसा खड़ा हूँ तो मेरा दायां ये है और बायां ये है। ठीक है, बायां ये है। अब उसने क्या कहा कि सूरज मेरे बाएं तरफ है, मतलब सूरज कहाँ होना चाहिए? यहाँ होना चाहिए। ठीक है, तो अब क्या कहा है कि सूरज मेरे बाएं तरफ डूब रहा है, तो मैं किस दिशा में खड़ा हूँ या मैं किस दिशा में जा रहा हूँ? तो यहाँ पर सबसे पहले दिशा बना लीजिए। आपको पता होगा इसमें हमें दो दिशा की ज़रूरत है, एक पूर्व और एक पश्चिम। ठीक है, तो आपने क्या किया यहाँ पर कि सूरज जो है आपका बाएं तरफ होना चाहिए और बाएं तरफ वो डूब रहा है, तो भैया मैं किस दिशा की ओर जा रहा हूँ? तो यहाँ आप देखेंगे कि करेक्ट आंसर क्या होगा। आप ऊपर की तरफ अगर जाते हैं, इस उत्तर दिशा की ओर अगर आप जाते हैं, तो जो सूर्य है वो आपका यहाँ कहीं होगा और यहाँ पश्चिम दिशा है, पश्चिम दिशा में ही हमेशा सूर्य जो है डूबता है या अस्त होता है। तो भैया अगर सूर्य यहाँ डूब रहा है तो वो आपके बाईं तरफ है और आप किस दिशा में जा रहे हैं? उत्तर की तरफ, नॉर्थ की तरफ। इसलिए आपका करेक्ट आंसर फर्स्ट वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी खास कोड भाषा में पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे। ब्रिंग का मतलब बताना है, ब्रिंग का मतलब यहाँ दिया हुआ है, ब्रिंग का मतलब यहाँ भी दिया हुआ है। तो ब्रिंग का मतलब अगर के आई पी यू और एल ई में देखें और यहाँ पर एल ई टी एच ए और एस ई में देखें, तो एल ई यहाँ भी है, एल ई यहाँ भी है। ब्रिंग ब्रिंग दोनों जगह है, एल ई आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। फिर वही क्वेश्चन आ चुका है, उसी कोड भाषा में आपको के आई डी का मतलब बताना है। तो देखिए के आई डी यहाँ दिया हुआ है और उसके अलावा के आई डी और कहीं मुझे दिख नहीं रहा है। तो ठीक है, हम क्या करेंगे, यू आर और ए का निकाल लेंगे। यू यहाँ है, यू यहाँ है। ठीक है, और इनका अगर हम मतलब देखें तो डब्ल्यू ए यहाँ भी है, डब्ल्यू ए यहाँ भी है। ठीक है, अब आर भी यहाँ है, आर भी यहाँ है, और यहाँ देखें तो सी आर यहाँ भी है, सी आर यहाँ भी है। ठीक है, अब अगर मैं अ की बात करूँ, ए की बात करूँ, तो ए यहाँ पर है और इसके अलावा ए यहाँ पर है, और इन दोनों में अगर मैं देखूँ तो वाई जेड यहाँ भी है, वाई जेड यहाँ भी है। अपने आप पता चल गया के आई डी का मतलब कि के आई होगा। ठीक है, के आई डी का मतलब के आई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। सीधी रेखाओं की कितनी आवश्यकता होगी इस डायग्राम को बनाने में? तो काउंट कर लीजिए, फर्स्ट वाली लाइन वन, फिर ये वाली टू, फिर ये वाली थ्री, फिर फोर, फाइव। इसी प्रकार देखिए, ये हो जाएगी सिक्स, ये हो जाएगी सेवन, फिर इसी प्रकार ये हो जाएगी आपकी एट, ये हो जाएगी नाइन, और ये हो जाएगी आपकी टेन। ठीक है, टेन लाइन तो यहाँ हो चुकी है। फिर एक ये वाली जो बिल्कुल खड़ी है इलेवन, फिर ट्वेल्व, एक ये वाली थर्टीन, और ये हो जाएगी आपकी फोर्टीन। टोटल लाइन हो रही है फोर्टीन, आपका करेक्ट आंसर फोर्टीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। विलुप्त संख्या चुनकर आपको यहाँ श्रृंखला पूरी करनी है, छः, ग्यारह, इक्कीस, छत्तीस, छप्पन, तो नेक्स्ट क्या होगा? यहाँ पर एक और पद आएगा। तो छः से ग्यारह के बीच में अगर आप संबंध देखें तो पाँच का अंतर आ रहा है, छः पाँच ग्यारह। 11 से 21 के बीच में अगर देखें तो 10 का अंतर, 21 से 36 के बीच में अगर देखें तो 15 का अंतर, 36 से 56 के बीच में अगर देखें तो 20 का अंतर। मतलब नेक्स्ट अगर मैं 25 जोड़ दूं तो 6 5 11 की एक हासिल, एक, 5 2 7 और एक 8, 81 आपका करेक्ट होगा। ठीक है, 5 10 15 20 और 25, इनका अंतर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, इंस्टीट्यूशन कुछ इस प्रकार लिखा गया है, तो आपको यहाँ पर इस शब्द को लिखना है। तो देखिए यहाँ पर मैं इसको जस्ट यहाँ नीचे लिख के बता देता हूँ, आई एन एस आई, आई एन एस टी आई टी यू टी आई ओ एन दिया हुआ है और इसमें जस्ट क्या लिखा हुआ है, एन ओ आई टी यू टी आई टी यू टी यू टी आई टी एस एन आई। देखिए क्या जस्ट उल्टा लिखा हुआ है, ये जो स्टार्टिंग हो रही थी अब पीछे से स्टार्टिंग हो रही है, लास्ट जहाँ खत्म हो रहा था वो अब यहाँ शुरुआत से हो रहा है, तो इसको भी मैं उल्टा कर दूंगा, ई आर यू डी ई सी ओ आर और पी, पीछे से पढ़ना है आपको। ठीक है, पीछे से आपका करेक्ट होगा, और अगर पीछे से आपका करेक्ट हो रहा है कोई तो वो देख लीजिए, ई आर यू डी, ई आर यू डी ये यहाँ पर है, ई आर यू डी यहाँ पर भी है, फिर आगे देखें तो ई सी ओ, ई ई डी ओ गलत हो गया, ये ई सी ओ, लास्ट वाला आपका करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉलेज का किसी प्रकार यहाँ संबंध इससे दे रखा है, जैसे कि मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर बी एन डबल के डी एफ और डी, उसी प्रकार स्कूल का किससे होगा? तो देखिए जस्ट नीचे से ऊपर की तरफ बी सी एन ओ
KL, फिर KL, DE, FG और DE, जस्ट नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, मतलब इनके जस्ट एक पहले क्या आएगा आपको वो बताना है, ठीक है। तो देखिए S दिया हुआ था, S के पहले क्या आएगा, RS, फिर C दिया हुआ है तो B आ जाएगा, H के पहले क्या आता है तो G आ जाएगा, O से पहले क्या आ जाएगा तो भैया डबल N आ जाएगा, और L से पहले आ जाएगा K, तो RBG डबल N K लास्ट वाला फोर्थ वाला करेक्ट हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 196, 169, 144, 120 एंड 100, इन सब में से गलत पथ को आपको चुनना है। तो देखिए कहीं ना कहीं ये किसी ना किसी के स्क्वायर है, 10 का है, फिर यहाँ पर 11 का 121 होना था बट यहाँ नहीं है, 12 का है, 13 का है, फिर यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो 120 है ये 120 किसी का स्क्वायर नहीं होता, इसलिए गलत पद यही हो गया, 120 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, फिर से ये क्वेश्चन आ चुका है, म्यूज़िक का मतलब आपको बताना है, इसमें म्यूज़िक यहाँ दिया हुआ है और इसके अलावा म्यूज़िक एक जगह और दिया हुआ है, यहाँ भी दिया हुआ है, ठीक है, म्यूज़िक यहाँ भी है, म्यूज़िक यहाँ भी है, तो आप देख लीजिए इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, BIN, LI और ZO, BIN कॉमन आ रहा है, BIN ही आपका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए, क्योंकि देखिए वहाँ पर आई प्ले म्यूज़िक था, यहाँ आई लव म्यूज़िक था, ठीक है। देखिए यहाँ पर सॉरी शायद मैंने थोड़ी जल्दी जल्दबाजी में कुछ गलत कर दिया, आई यहाँ भी है और आई यहाँ भी है, और इन दोनों में अगर कोई सेम और दिख रहा है तो वो है ZO, ZO यहाँ भी है, ZO यहाँ भी है, मतलब ZO और BIN इन दोनों में से कोई भी हो सकता है, ठीक है। अब इन दोनों में से कोई भी हो सकता है तो हम क्या करते हैं कि इसका और कहीं, जैसे कि यहाँ देखिए फर्स्ट वाले में भी आई दे रखा है और आई अगर यहाँ दे रखा है तो BIN यहाँ भी दे रखा है, तो BIN का मतलब क्या हो गया, आई को रिलेट करता है, आई को ये प्रदर्शित करता है, मतलब आपका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ZO। देखिए जल्दी जल्दी में मेरे से भी गलत हो गया, हो सकता है आपने भी बहुत क्वेश्चन ऐसे गलत किए होंगे, तो इसको थोड़ा सा ध्यानपूर्वक देखिएगा क्योंकि इतना ईजी भी क्वेश्चन वो नहीं देगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, पूरा देखना है, पूरा क्वेश्चन पढ़ना है, बट मैं पूरा क्वेश्चन इसलिए नहीं पढ़ रहा था क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने बहुत सी बार सॉल्व करवा दिया है, इसलिए मुझे लगा कि शायद हो जाएगा, चलिए कोई बात नहीं, अच्छा हुआ मुझे याद आ गया। चलिए आगे पढ़ेंगे, 3, 7, 15 और 30, तो देखिए यहाँ पर 3, 2, 6 एक ज़्यादा, 7, 2, 14 एक ज़्यादा, 15, 2, 30 एक ज़्यादा, मतलब 15, 2, 30 एक ज़्यादा, तो 31, 2, अगर मैं 31 का 2 में गुणा करके 1 जोड़ दूँ तो 3, 2, 6 62 प्लस 1 कितना हो जाएगा भैया, 63, 63, तो मेरा 63 करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर मेरे सारे क्वेश्चन हो चुके हैं, ये जितनी भी बड़ी वीडियो हो, आधे घंटे की हो या 40 मिनट की हो, तो हमने 2 शिफ्ट इसमें कवर की है, तो इसमें टाइम का आपको मैंने वो है नहीं, प्रॉब्लम भी नहीं आ रही है कि कम है या ज़्यादा है, क्वेश्चन भी लिमिटेड आ रहे हैं, जितने भी 30 क्वेश्चन हो या 35 क्वेश्चन हो, तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, पसंद आई हो तो आप इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए और कमेंट मुझे करते रहिए, आप कमेंट करते हैं तो मैं सारी कमेंट देखता हूँ, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, या कोई क्वेश्चन अगर गलत हो गया है तो आप मुझे कमेंट जरूर करते रहें, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में फिलहाल इतने ही क्वेश्चंस, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।